स्टूडेंट्स, हम बिच्छू स्कॉर्पियन के अलग अलग सिस्टम्स का अध्ययन कर रहे थे और हमने पिछले क्लास में इसका श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्कॉर्पियन का जो नर्वस सिस्टम है, स्कॉर्पियन का बिच्छू का जो तंत्रिका तंत्र है वो एनेलिडा टाइप का होता है, जिस एनेलिडा का जो तंत्रिका तंत्र है उससे रिजेंबल करता है। और ये जो है मेनली ब्रेन, सरकम इसोफेगल कनेक्टिव्स, सब इसोफेगल गैंग्लियंस और वेंट्रल नर्व कॉर्ड सॉरी इनसे मिलकर बना होता है। ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल गैंग्लियन, ब्रेन को हम सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। और ये बायलोब्ड मास होता है, दो लोब्स का बना हुआ मास होता है, प्रोसोमा में पाया जाता है, मेरिन आइज के नीचे पाया जाता है। और इससे एक पेयर जो है ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो मीडियन और लेटरल आइज में जाती है। इनके अलावा इससे बहुत सारी पतली पतली नर्व्स निकलती है जो रोस्ट्रम, फेरिंग्स, इसोफेगस इन सब एरिया में नर्व सप्लाई करती है। इसी से ब्रेन से ही एक पेयर थिक, छोटा, स्टाउट सरकम इसोफेगल कनेक्टिव्स जो है वो निकलता है। सरकम इसोफेगल कनेक्टिव ये एक कॉलर बनाता है अराउंड द इसोफेगस और पीछे की वेंट्रली ये यूनाइट होकर सब इसोफेगल गैंग्लियन बना देता है। तो अगला जो सेरिब्रल गैंग्लियन के बाद जो एक और गैंग्लियन देखने को मिलता है विच इज़ सब इसोफेगल गैंग्लियन। इससे कनेक्टिव से और गैंग्लियन से सभी इसोफेगल सरकम इसोफेगल कनेक्टिव्स और सभी इसोफेगल गैंग्लियन से सिक्स पेयर्स लेटरल नर्व्स निकलती हैं। यहाँ आपको डायग्राम में ये सारी चीज़ें जो है वो जो मैं बोल रही हूँ वो दिखाई दे रही है। सिक्स पेयर्स जो हैं वो लेटरल नर्व्स निकलती है जो कि प्रोसोमेटिक अपेंडिसेस को जाती है। इसी के साथ यहाँ पे दो या चार पेयर वेगस नर्व्स भी निकलती है जो पोस्टीरियरली जाकर प्री एब्डोमेन रीजन में जेनाइटल ऑपरकुलम, पैक्टीन्स और बुक लंग्स के फर्स्ट टू पेयर्स को नर्व सप्लाई करती है, तांत्रिकीय आपूर्ति वहाँ की ये करती है। उसके बाद जो आता है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड आता है जो सब इसोफेगल गैंग्लियन है। ये एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के द्वारा फॉलो किया जाता है तो जो कि फोर्थ सेगमेंट ऑफ पोस्ट एब्डोमेन तक जाता है। जो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है इसका ये जो पोस्ट एब्डोमेन है उसके फोर्थ सेगमेंट तक जाता है। ये सिलेंडर होता है एंड इट इज़ राउंडेड इन प्री एब्डोमेन रीजन बट फ्लैटेंड एंड रिबन शेप्ड इन द पोस्ट एब्डोमेन। शुरुआत में राउंडेड है लेकिन पीछे की तरफ ये फ्लैट होकर रिबन शेप बना देता है। इसमें तीन गैंग्लियन प्री एब्डोमिनल रीजन में आते हैं और चार जो हैं वो पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन आते हैं, जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, तीन जो है वो प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन है और ये चार जो है ये पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन है। और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स है वो नेबरिंग पार्ट्स, बॉडी के जो भी नेबरिंग पार्ट्स हैं उनको नर्वस सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से जो ये स्कॉर्पियन है उसके नर्वस सिस्टम में ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन और सरकम इसोफेगल कनेक्टिव्स और सब इसोफेगल गैंग्लियन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये चार इंपॉर्टेंट रीजंस जो हैं वो बनते हैं और इनसे मिलकर इसका तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। सरकम इसोफेगल कनेक्टिव जैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, सिमिलरली सब इसोफेगल गैंग्लियन जो कि सिक्स पेयर लेटरल नर्व्स एंड फोर पेयर वेगस नर्व्स, ये भी हम बात कर चुके हैं। एंड देन वेंट्रल नर्व कॉर्ड जिससे मैंने आपको बताया कि चार सेगमेंट मेटासोमा के और तीन गैंग्लियन जो है वो ऊपर की तरफ मेसोसोमा में और चार मेटासोमा में, और सेगमेंटल गैंग्लियन से नर्व्स जो है वो नेबरिंग पार्ट को जाती है। तो आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, मैंने आपको इसके नर्वस सिस्टम के बारे में जो है पूरा बता दिया। अगला जो सिस्टम है स्कॉर्पियन का वो है इसके संवेदी अंग सेंस ऑर्गन्स। स्कॉर्पियन में बिच्छू में जो मेन संवेदी अंग पाए जाते हैं उनमें है आईज, पैक्टीन्स, स्टिमुलेटरी ऑर्गन्स, सेंसरी हेयर्स एंड ट्राइगोबोथ्रिया। ट्राइगोबोथ्रिया लंबे स्ट्रेट डेलिकेट सेंसरी हेयर्स हैं जो कि सॉसर लाइक डिप्रेशन से, सॉसर लाइक खांच से अराइज होते हैं, निकलते हैं। इनमें नर्व्स की वेरी रिच सप्लाई होती है, बहुत अधिक जो है आपूर्ति होती है तंत्रिकाओं की। ये हाइपोडर्मिस की मॉडिफाइड सेल्स है। ये अपेंडिसेस पे और टेल पे पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये एयरबॉर्न
वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्राइको बोथ्रिया। इसके अलावा जो मेन चार सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दे आर आइज, पैक्टीन्स, स्टिमुलेटरी ऑर्गन्स एंड सेंसरी हेयर्स। आइज की अगर हम बात करें इसके नेत्र की, तो इसमें एक पेयर मीडियन आइज पाई जाती है, जो कि रेज करके आगे बढ़ के ट्यूबिकल बनाती है। ये कारापेस पे डोर्सली पाई जाती है और मिडिल में, कारापेस के मिडिल में क्लोजली पैक्ड जो है ये पाई जाती है, और आगे बढ़कर ये दोनों स्मॉल ट्यूबिकल्स बनाती हैं। इनके अलावा 2 से 5 पेयर स्मॉल लेटरल आइज पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज इनका नंबर अलग अलग है। ये एंट्रो लेटरल मार्जिन्स कारापेस पर पाई जाती है। ये सिंगल क्यूटिकुलर लेंस इनमें देखने को मिलता है। वो जो आइज हैं ये सिंपल हैं स्ट्रक्चर में, और ओसिलाई जो है इंसेक्ट्स की उनसे रिजम्बल करती है जो लेटरल आइज हैं इसकी। वो मीडियन आइज कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इनमें एक सिंगल क्यूटिकुलर लेंस जो है वो पाया जाता है। फोटो रिसेप्टर रेटिनल सेल्स इनमें देखने को मिलते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इनका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और डिस्टल एंड जो है लाइट सेंसरी रॉड या बेसिलस की तरह बना हुआ होता है, छोटी छोटी रॉड्स की तरह बड़ी बनी हुई होती है, जिनको हम डायरेक्ट आइज कहते हैं। इस प्रकार की जो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सिलेंड्रिकल शेप की हैं इसकी रेटिनल सेल्स, और इनका न्यूक्लियस जो है प्रॉक्सिमली एंड होता है, और लाइट सेंसरी रॉड और बेसिलस इसके डिस्टल एंड पर पाया जाता है। इस प्रकार की जो डिस्टल रिसेप्टिव रॉड्स हैं इनको हम डायरेक्ट आइज कहते हैं। रेटिन्यूल में ग्रुप हो जाती है, मतलब ग्रुप होकर ये समूह में रेटिनल सेल्स जो हैं वो रेटिन्यूल बनाती हैं, जिसके द्वारा एक रेबिडोम सिक्रेट किया जाता है, जैसा कि कंपाउंड आइज में होता है। ये रेटिनल सेल्स रेबिडोम को सिक्रेट करती है, जो कि कंपाउंड आइज का करेक्टर्स है। नर्व फाइबर्स हर एक रेटिनल सेल्स से जो निकलते हैं ज्वाइन होकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, जो कि ऑप्टिक गेंगलिया ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है, आवाज से जुड़ी हुई रहती है। ऐसा होने के बावजूद भी कई सारे स्कॉर्पियंस ब्लाइंड भी देखे गए हैं, उनमें जो है देखने की क्षमता नहीं पाई जाती। ये देखिए आप, यहाँ आपको इसका डायग्राम में जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल्स, इनके नर्व फाइबर्स, लेंस, रेबिडोम्स और ये सारी चीज़ें आपको मीडियन आई का VS जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। दूसरा जो इसका मेन सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज पैक्टीन्स, ये एक पेयर कॉम लाइक सेंसरी अपेंडिसेस होते हैं, कंघे की जैसी इनकी संरचना होती है। ये सेकेंड मेसोसोमा पर, स्टर्नम पर लगे हुए पाए जाते हैं, और ये स्टेम एंड शाफ्ट के बने हुए होते हैं, मतलब हैंडल या शाफ्ट कह लीजिए, और स्टेम 3 सेगमेंट्स में स्टेम पाया जाता है, और फिर इसका शाफ्ट पाया जाता है। एक लंबी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ शाफ्ट, 4 से 36 नैरो मूवेबल प्रोसेसेस, जैसे कि कॉम्ब के टीथ होते हैं वैसे। ये देखिए आप, ये यहाँ पे इसके लैमेली और टीथ नज़र आ रहे हैं शाफ्ट और हैंडल से लगे हुए। इसको संरचना को हम पैक्टीन कहते हैं। ये टैक्टाइल या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। ब्रश द सबस्ट्रेटम एज दे वॉक, इसका एक फंक्शन ये भी है कि जब ये चलते हैं तो आधार को ये ब्रश करता हुआ चलता है। सबस्ट्रेटम की नेचर पहचानने में ये इम्पॉर्टेंट है, एनिमल सबस्ट्रेटम की नेचर पहचान सके उसके लिए उसको कैपेबल बनाता है। और सुटेबल मेटिंग साइट्स बाय द मेल भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअली भी इसकी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जनरली ये मेल में साइज में बड़ा पाया जाता है फीमेल के कंपैरिजन में, तो इससे इसको कनेक्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है इसका कोई फंक्शन जो है वो सेक्सुअली भी है, उसको आइडेंटिफाई करने, सुटेबल मेटिंग साइट को आइडेंटिफाई करने में भी इसका कार्य है। तो ये एक और इसका जो है सेंसरी ऑर्गन है पैक्टीन। इसके अलावा स्टिमुलेटिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। पेडिपल्स के कॉक्सी पे और फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स ये लगे हुए पाए जाते हैं। ये एक उभार इन द फॉर्म ऑफ रिज पाए जाते हैं, उभार के रूप में पाए जाते हैं, जिनके बीच में फाइल लाइक सर्विसेज कैन बी ड्रॉन टू प्रोड्यूस साउंड, मतलब फाइल लाइक सर्विसेज पाई जाती हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा माना गया है कि स्कॉर्पियंस प्रॉबेबली सम परसेप्शन ऑफ साउंड जो है वो
दिखा सकते हैं किसी प्रकार का, जो साउंड परसेप्शन है वो इनके द्वारा शो किया जाता है। इसके अलावा इनमें सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ट्राइकोबोथ्रिया पाए जाते हैं, लॉन्ग लंबे डेलिकेट सेंसरी हेयर्स इनको ट्राइकोबोथ्रिया कहते हैं, वो पाए जाते हैं, और ये जो है एयरबॉर्न वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट सेंस ऑर्गन्स ऑफ द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट सिस्टम जो एक और बचा है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।